हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप कमजोरी थकान की समस्या से परेशान हैं या आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, कमर में पीठ में हमेशा दर्द बने रहता है या घुटनों में दर्द होते रहता है या आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है या आपकी नसों में ब्लॉकेज आती है या आपके शरीर में अकड़न रहता है, यानी कि अगर आप कई सारे बीमारियों से जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर के कई सारे रोग दूर हो जाएंगे, यानी कि आपके पेट से जुड़ी जो समस्याएं होंगी उस दूर हो जाएंगी। अगर आप मोटापा की समस्या से परेशान हैं, अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और आपका खून बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगा, खून के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, यानी कि आपकी रक्त को साफ करने का भी काम करेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हम इसमें फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसके लिए आपको फेनेल सीड्स यानी कि सौंफ का प्रयोग करना है, जो कि इजीली आपके किचन में ही मिल जाएगा और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये जो फेनेल सीड्स है यानी कि सौंफ आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में कई सारे रोगों को दूर करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये सौंफ इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप इसका प्रयोग दूध के साथ करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी, थकान की समस्या हो, कमर दर्द की समस्या से परेशान है या आपके शरीर में हमेशा कमजोरी का एहसास होते रहता है, घुटनों में दर्द होते रहता है, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि सौंफ तो काफी फायदेमंद होता ही है आपके सेहत के लिए, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग दूध के साथ करते हैं तो इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कमजोरी थकान की समस्या से छुटकारा पाना है या आपको अपने घुटनों को स्ट्रांग बनाना है, हड्डियों को मजबूत बनाना है, तो आपको इसका प्रयोग दूध के साथ करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको एक गिलास दूध लेना है, एक मेंबर के लिए मैं बता रही हूँ, एक गिलास दूध लेना है। अगर गर्म किया हुआ है पहले से तब तो ठीक है, नहीं तो गर्म किया हुआ नहीं हो तो पहले इसे अच्छे से बॉयल कर लीजिए और तब आपको इसमें एक मेंबर के लिए एक चम्मच यहाँ पे सौंफ डालना है। सौंफ डालने से इसके जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो दूध के अंदर आ जाएंगे। सिर्फ आपको सौंफ यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे आपको लेना है अदरक। फ्रेंड्स, अदरक की बात करूं तो अदरक भी आपके सेहत के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और फ्रेंड्स, अदरक जो है एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है, जो कि आपके खून को पतला करने का काम करता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और जो कि आपके शरीर से, आपके खून से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, आपके खून को शुद्ध करने का काम करते हैं, जिससे आपके हार्ट को प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसलिए आपका हार्ट भी स्वस्थ रखता है और हाई बीपी से भी आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अदरक है इसकी तासीर गर्म होती है और जो सौंफ है इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए अदरक का प्रयोग सौंफ के साथ करने से इसकी जो तासीर है मेंटेन हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आप डायरेक्टली अदरक का प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सौंफ के साथ अदरक का प्रयोग करना है। एक मेंबर के लिए आपको अदरक का आधा इंच के करीब में टुकड़ा ले लेना है, जिसे कि आपको कूट कर या ग्रेट कर लेना है और इस दूध में डाल देना है। दोनों को डाल के दूध में आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लो से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको जैसे ही इसे पकाएंगे इस दूध का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अदरक और सौंफ जो है उसके न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो आ जाएंगे दूध के अंदर। उसके बाद आपको छान लेना है सौंफ को और इसका प्रयोग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर रात को करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रात को सोने से आधा घंटा पहले कीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका प्रयोग रात को ही कर सकते हैं, आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस सुबह में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। तो अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो भी कमजोरी थकान की समस्या बनी रहती है या आप किसी भी काम को करने के बाद तुरंत थक जाते हैं, आपको हमेशा थकान फील होता है, तो इसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। और अगर आप घुटनों की दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं या आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं या हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपको कमर में दर्द रहता है या आपके कंधे में दर्द रहता है, यानी कि शरीर में अगर किसी भी पार्ट में अगर दर्द
रहता है तो इस रेमेडी से आपको काफी फायदा मिलेगा। तो अगर आप कमजोरी थकान की समस्या से परेशान है, घुटनों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको सौंफ का प्रयोग दूध के साथ और अदरक के साथ इस तरीके से करना है। लेकिन अगर आप अपने वजन को घटाना चाहते हैं, मोटापा की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको सौंफ के पानी का प्रयोग करना है। अगर सौंफ के पानी का प्रयोग करते हैं या सौंफ के चाय का प्रयोग करते हैं तो ये आपके वजन को बहुत ही तेजी से घटाता है। सौंफ का पानी बनाने के लिए आपको रात को एक गिलास पानी लेना है, इसमें एक चम्मच सौंफ को डाल देना है, रात भर के लिए भिगो कर छोड़ देना है और अगले दिन सुबह में आपको इसे हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद सौंफ को छान कर चबा चबा कर खा लेना है और इस पानी को आपको पी लेना है। लेकिन इसका प्रयोग आपको डेली सुबह में खाली पेट ही करना है और इसका प्रयोग करने के बाद आपको आधे से एक घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका मोटापा और वजन बहुत ही तेजी से रिड्यूस होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है सौंफ का पानी वजन को घटाने के लिए। और अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो सौंफ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और रामबाण नुस्खे की तरह काम करता है आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको सौंफ का प्रयोग अलग तरीके से करना है, यानी कि आपको 5 बादाम लेना है। अगर एक मेंबर की बात मैं करूं तो 5 बादाम लेना है, 1 चम्मच सौंफ लेना है और स्वादानुसार आपको धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना है। ये धागे वाली जो मिश्री है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है और फायदेमंद होती है, लेकिन आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे एक मेंबर के लिए आपको 5 बादाम, 1 चम्मच सौंफ और धागे वाली मिश्री को ले लेना है। इसे आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको 1 गिलास दूध लेना है और 1 चम्मच इस पाउडर को 1 गिलास दूध में डाल देना है और डेली रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको इसका प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बादाम, सौंफ और मिश्री का प्रयोग करते हैं दूध के साथ, तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी आंखों से चश्मा बहुत जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव और रामबाण नुस्खा है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आप घर के ही चीजों से, यानी कि घर में किचन में अवेलेबल सौंफ से आप किस तरीके से आप अपने शरीर के कई सारे रोगों को दूर कर सकते हैं और किस तरीके से आपको दूध के साथ इसका प्रयोग करके आपको अपने कमजोरी थकान की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं और वजन को घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से सौंफ का प्रयोग दूध के साथ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और काफी इफेक्टिव रेमेडी मैंने आपको बताया है। तो अगर आप कमजोरी थकान की समस्या से परेशान है तो आप इस तरीके से सौंफ का प्रयोग दूध के साथ अदरक के साथ करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी फ्रेंड्स मैं हमेशा अपने वीडियो में बहुत ही कम खर्च में और घरेलू चीजों से ही रेमेडी बनाना बताती हूँ, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी घरेलू नुस्खे के वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।